नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खबरें अब तक का। खबर अब तक में आज बात होगी महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी के परिवारवाद की, यूपी उपचुनाव में कांग्रेस के खेले की और बहराइच हिंसा में आए नए अपडेट की। लेकिन इससे पहले आपको इस वक्त की कुछ बड़ी हेडलाइंस से रूबरू करवा देते हैं। इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर अजय कुमार बने झारखंड के नए डीजीपी और ये है बैच 1979 के आईपीएस। गुंडे अपराधी और शराब माफिया के सरदार अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया सामने। दिल्ली में अलर्ट पर पुलिस, सदर बाजार में दोपहर 12 से रात 8 बजे तक लोडिंग अनलोडिंग पर रोक। बहराइच हिंसा पर एक्शन, सीओ के बाद हटाए गए एडिशनल एसपी। बलात्कार मामले में प्रज्वल रेवन्ना को झटका, कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। गढ़चिरौली में पुलिस को मिली कामयाबी, झड़प में 3 से 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। उमर अब्दुल्ला ने बडगाम सीट से दिया इस्तीफा, गांधरबल सीट को रखा बरकरार। पीएम मोदी की डिग्री वाले केस में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी लगा तगड़ा झटका। सोने चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़, उछाल 81,000 के पार पहुंचा गोल्ड। उठापटक के बाद आखिरकार लाल निशान पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 74 अंक गिरा, 24,781 पर पहुंचा निफ्टी। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट्स पर डाल लेते हैं नजर। कहते हैं कि चुनाव आते हैं और नेताओं के रंग बदल जाते हैं, कुछ ऐसा ही होने लगा है महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में। बीजेपी के रंग बदल गए हैं। कभी परिवारवाद का विरोध करने वाली बीजेपी परिवारवाद का जप कर रही है। देश में इस वक्त चुनावों का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव के बाद कई खाली हुई संसदीय सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं या तो कई जगह राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखें आ चुकी हैं। चुनावी समर के शंखनाद होते ही इसकी पहली प्रक्रिया यानी कि टिकट बंटवारा शुरू हो चुका है। इस स्टेप में राजनीतिक दलों की एक खास बात सामने आई है, पार्टियां परिवार में टिकट बांट रहे हैं। जी हां, और इस काम में बीजेपी भी पीछे नहीं है। जैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने 99 सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से प्रत्याशी बनाया गया है तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को कामठी सीट से टिकट दिया गया है। बीजेपी ने अपने पुराने नेताओं पर भरोसा जताया है तो नए चेहरों पर भी दांव खेला है। बीजेपी की पहली लिस्ट में देखें तो पार्टी के दिग्गज नेताओं के बेटे, बेटी और भाई को टिकट दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी सांसद अशोक चव्हाण पर और उनकी बेटी श्रीजया चव्हाण, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार के भाई विनोद शेलार, पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के बेटे संतोष दानवे को प्रत्याशी बनाया गया है। शिंदे गुट की शिवसेना के नेता पर फायरिंग करने के कारण जेल गए बीजेपी विधायक बबन राव पचपुते की पत्नी प्रतिभा सातपुते को श्रीकोंडा से प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरीके से झारखंड में भी बीजेपी टिकट बांट रही है। झारखंड में बीजेपी ने एक पूर्व सीएम के बेटे एवं पूर्व सीएम की पत्नी और एक पूर्व सीएम की बहू को टिकट देकर विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ थी वो आज चुनाव को जीतने के लिए परिवारवाद के कंधे पर रखकर बंदूक चलानी जा रही है। वो इसमें कितना सफल होती है ये जरूर देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसी के साथ रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट का। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव से कांग्रेस ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। सपा ने कांग्रेस के लिए यूपी में 2 सीटें गाजियाबाद और खैर सीट छोड़ रखी थी। इन दोनों ही सीट के समीकरण और जीत की संभावना को बेहद कम देखते हुए कांग्रेस ने उपचुनाव से दूरी रहने का यानी कि दूर रहने का फैसला कर लिया है। लेकिन खास बात यह है कि वजह केवल ये नहीं है, बहुत बड़ी एक दूसरी वजह भी क्या है चलिए बता देते हैं। कांग्रेस ने ये त्याग नहीं किया और जो त्याग किया है वो चाहती है यही त्याग महाराष्ट्र में सपा भी करे। कुल मिलाकर कांग्रेस ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत दांव चला है। इसके बहाने कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव में सपा से डील करने की स्ट्रैटेजी बनाई है। कांग्रेस ने सपा के शीर्ष नेतृत्व को बता दिया है कि यूपी उपचुनाव में वो नहीं लड़ेगी। सपा इसके बदले महाराष्ट्र में या तो चुनाव ना लड़े या फिर लड़े तो बेहद कम सीटों पर या 1 या 2 सीटों पर ही चुनाव लड़े। महाराष्ट्र में कांग्रेस का सपा का साथ दे यानी कि कांग्रेस और सपा साथ मिलकर लड़े, कांग्रेस लड़े और सपा केवल कांग्रेस का साथ दे। इस तरीके से कांग्रेस ने सपा के सामने 2 ऑफर रखे हैं लेकिन सपा की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब अभी तक नहीं आया है। दरअसल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का
कॉमन वोट बैंक, इसीलिए एक का फायदा तो दूसरे का नुकसान आज नहीं तो कल होना है। अखिलेश यादव का फोकस 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव है तो कांग्रेस की नजर भी उसी पर है। अखिलेश कांग्रेस से गठबंधन बनाए रखने के भरोसे के बहाने मुस्लिम और दलितों को अपने साथ साधे रखने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी अब उसी दाव से सपा को चित करने की रणनीति पर कदम बढ़ाया है। हालांकि सपा महाराष्ट्र में पीछे हटती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसी के साथ रुख करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट का। क्या आपको नूपुर शर्मा याद है? करीब 2.5 साल पहले पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करके चर्चा में आई नूपुर उस वक्त भाजपा की प्रवक्ता थी। विवाद के हद से ज्यादा बढ़ जाने की वजह से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। नूपुर की जुबान भी खामोश हो गई और उन्होंने नजर आना भी बंद कर दिया, लेकिन अब वो एक बार फिर चर्चाओं में आ गई है। बुलंदशहर के खुर्जुआ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नूपुर ने बहराइच हिंसा में जान गंवाने वाले राम गोपाल मिश्रा को लेकर उनकी टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हालांकि बाद में नूपुर ने सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांग ली है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में विवाद के दौरान मारे गए राम गोपाल मिश्रा की हत्या पर नूपुर शर्मा कुछ ऐसी बातें बोल गए जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ी। नूपुर शर्मा ने खुर्जुआ में आयोजित ब्राह्मण महासभा के विप्र सम्मेलन कार्यक्रम में राम गोपाल मिश्रा की हत्या के दौरान बर्बरता का दावा करते हुए कहा था कि उसे 35 गोलियां मारी गई, नाखूनों काट दिया गया, पेट फाड़ दिया गया और आंखें निकाल दी गई। हालांकि कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ने जब इस तथ्य को लेकर निशाना साधा तो नूपुर शर्मा ने माफी मांगते हुए अपने शब्द वापस ले लिए। बता दें कि बहराइच के संवेदनशील मामले पर इस तरीके से बोलना नूपुर को भारी पड़ सकता है। वो ये समझ चुकी हैं, बिना तथ्यों के ऐसी बात करना खतरे से खाली नहीं है। वहीं बीजेपी भी इस पर वार कर सकती है। बीजेपी भी इस मामले में काफी सजग है। आलम यह है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच हिंसा मामले में बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी के नगर अध्यक्ष समेत 7 लोगों पर दर्ज केस को करा दिया है। सुरेश्वर सिंह ने तहरीर दी है कि 13 अक्टूबर की रात महाराजगंज गोलीकांड के बाद मृतक राम गोपाल मिश्रा के शव को अस्पताल चौराहे पर रखकर प्रदर्शन किया जा रहा था। भीड़ को समझाने के दौरान उनके काफिले पर पत्थरबाजी और फायरिंग की गई। फिलहाल ये पूरा मामला काफी संवेदनशील है, ऐसे में कोई भी टिप्पणी किसी को भी भारी पड़ सकती है। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात आपसे जरूर करेंगे। योगी सरकार अपनी कानून व्यवस्था की तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। जब भी मंच मिलता है अपनी सरकार की पीठ खुद थपथपाने में जुट जाती है। दावा ये कि अपराधियों की अब खैर नहीं, पुलिस सड़कों पर उतर आई है और अपराधी या तो जेल में है या फिर ऑपरेशन लंगड़ा के चलते भागने को मजबूर है, लेकिन असलियत इन दावों से कोसों दूर नजर आ रही है। यूपी में अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है कि अब पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं रहे। जी हाँ, ताजा उदाहरण कानपुर का है जिसमें सरकार के तमाम दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। हुआ ये कि अयोध्या में तैनात एक महिला हेड कांस्टेबल करवा चौथ के मौके पर अपने ससुराल जा रही थी। कानपुर के पश्चिम पारा इलाके में देर रात ट्रेन से उतरी तो घर थोड़ी ही दूर पर था, इस वजह से उसने सिविल कपड़ों में पैदल ही जाना मुनासिब समझा। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था और शायद उसने ये भी सोचा होगा कि ऐसा कुछ कैसे हो सकता है, लेकिन एक दरिंदे ने उसे अकेला पाकर उसके साथ खेतों में ले जाकर बलात्कार कर दिया। यह घटना उस वक्त की है जब यूपी में पुलिस खुद को सर्वश्रेष्ठ बताती है। सोचने वाली बात यह है कि जो महिला पुलिसकर्मी खुद लोगों की सुरक्षा का जिम्मा उठाती है, अगर वही सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं की स्थिति क्या होगी। योगी सरकार का महिला सशक्तिकरण का दावा, मिशन शक्ति का प्रसार प्रचार और पुलिस की सक्रियता पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसी घटनाओं के बाद ये सोचना पड़ता है कि क्या सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों से सच में बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। सरकार को समझना होगा कि असल सशक्तिकरण भाषणों और घोषणाओं में नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों में सुरक्षा का एहसास पैदा करने में है। अपराधियों के मन में कानून का डर होना चाहिए, ना कि पुलिस कर्मियों और जनता के मन में अपराधियों का, तभी यूपी की सड़कों पर घरों में और दिलों में सच्चे मायनों में सुरक्षा लौट सकेगी। फिलहाल खबर अब तक में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।